हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग एमसीक्यूज बेस्ड ऑन केस सिनेरियो। दिस केस सिनेरियो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक वैल्यू एग्रीगेट। सो लेट अस सी दैट आर गिवन इन दिस सिनेरियो। सो ए बी लिमिटेड मेजर्स इट्स परफॉर्मेंस बाय इकोनॉमिक वैल्यू एग्रीगेट मेथड। द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए बी लिमिटेड इज गिवन फॉर करंट ईयर। सो दैट आर इंफॉर्मेशन इज इक्विटी शेयर रुपये 100 ईच, टोटल रुपये 45 लैक्स, रिजर्वमेंट सरप्लस 35 लाख, 10% डिबेंचर्स रुपये 100 ईच रुपये 60 लाख, डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स 16%, प्रिवेलिंग कॉरपोरेट टैक्स रेट 30%, फाइनेंशियल लीवरेज इज 1.2 टाइम्स। सो देन डिफरेंट एम सी क्यूज आर गिवन। वी हैव टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ए बी लिमिटेड। सेकेंड, वी हैव टू कैलकुलेट वेटली एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए बी लिमिटेड। थर्ड, वी हैव टू कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एग्रीड ऑफ ए बी लिमिटेड। फोर्थ, वी हैव टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ ए बी लिमिटेड। सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डेटा इज गिवन टू अस। सो दिस इज डेटा ऑफ ए बी लिमिटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 45 लैक्स। दिस इक्विटी शेयर इज ऑफ रुपीज 100 ईच, अमाउंट इज 45 लैक्स। देन वी आर गिवन रिजर्वमेंट सरप्लस, दिस इज गिवन टू बी अवर 35 लैक्स। देन वी आर गिवन 10% डिबेंचर्स, दिस इज ऑल्सो रुपीज 100 ईच। सो टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स आर 60 लैक्स। देन वी आर गिवन डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, सो दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इक्विटी। दिस इज डिविडेंड एक्सपेक्टेशन इक्विटी शेयर होल्डर्स, दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज के ई, दिस इज गिवन टू बी 16%। देन कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज गिवन 30%, एंड वन रेशो इज गिवन फाइनेंशियल लिवरेज, दिस इज गिवन टू बी 1.2 टाइम्स। Now we have to calculate one by one, like number one MCQ, what is the net operating profit after tax of AB Limited. So let us say MCQ number one, net operating profit after tax. So that is equal to EBIT, aur usko aap bana lijiye after tax. So let us see how to calculate EBIT. For this purpose, financial leverage aapko ratio bhi hai, to uska formula dekhte hain, what is the financial leverage. सो इट इज इक्वल टू इबिक अपॉन पी बी टी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड पी बी टी इज इक्वल टू इबिक माइनस इंटरेस्ट ऑन डेट। अब देखिए दिस रेशियो इज गिवन 1.2 टाइम्स, ई बी आई की मिसिंग है। इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं 10% डिबेंचर ऑन 60 लाख, जिसे की भी 6 लाख। सो लेट अस पुट दिस वैल्यू, सो इबिक अपॉन इबिक माइनस इंटरेस्ट, दिस इज 6 लैख, इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी इबिट इज इक्वल टू 1.2 ई बी आई टी माइनस 7,20,000। सो 1.2 इंटू 6 लैख, सो दिस विल गो हेयर एंड दिस विल गो हेयर। सो 1.2 माइनस 1 इबिट, दिस इज 0.2 इबिट, इज इक्वल टू 7,20,000। So from here we get to EBIT. This is 7,20,000 divided by 0.2, 36 lakh. Now we can calculate NOPAT. So this is 36 lakhs. इसको आप बना लीजिए आफ्टर टैक्स इनटू 1 माइनस 0.3 इनटू 0.7. So this is coming 25,20,000. जिसमें निजर फर्स्ट आइटम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो गैट यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगेन वी हैव सेकंड एमसीक्यू, इन दिस वी हैव टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए बी लिमिटेड। तो लेट अस सी वेटेड एवरेज फार्मूला ऑफ डब्ल्यू ए सी सी ऑफ ए बी लिमिटेड, जिसे आल्सो कहा गया कि के ओ इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेट इनको वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनको वेट ऑफ इक्विटी।
तो फर्स्ट के ई आपको दी है, देखो डिविजन एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर के ई लेटर सी के जी में रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवेंचर का 10%, उसको आप बना लीजिए आफ्टर टैक्स, तो दिस इज कमिंग 7%। देन यू सी व्हाट आर वेट्स, व्हाट इज द टोटल इक्विटी कैपिटल, टोटल इक्विटी तो दिस मनी इज अवर 80 लैक्स, टोटल डेट इज 60, टोटल कैपिटल इज 140। सो लेट अस अप्लाई हेयर, तो के जी इज 7%, डेट वेट डेट इज 60/140, टोटल कैपिटल में व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ डेट प्लस के ई इज 16%, इक्विटी इज 80/140। तो 140 आप देखेंगे एल सी में जाएगा, तो लेकिन जैसे कि 7 × 60 = 420 प्लस 16 × 80 1280, तो जैसे 1280 प्लस 420 1700 ये 140। तो जैसे कमिंग 12.143% इज अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो नेक्स्ट वी हैव एमसीक्यू नंबर 3, इन केस वी हैव टू कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एग्रीड ऑफ ए बी लिमिटेड। सो लेट अस सी व्हाट इज फार्मूला ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एग्रीड, एमसीक्यू नंबर 3। सो फार्मूला ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एग्रीड दैट इज इक्वल टू नोपैट जो आपने पहले कैलकुलेट किया था, देन यू सी माइनस व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ई वी ए शो करके आपको एक्सेस रिटर्न कितने मिल रही है आफ्टर मीटिंग ओवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो लेकिन सी नोपैक देखो आपने कैलकुलेट किया था, सो जिसमें वो आगे 25,20,000 जिन कैपिटल एम्प्लॉय 140 लैक्स टोटल कैपिटल गेट प्लस इक्विटी एंड ऑन दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.143%। को अपन लैक्स में कर रहे थे रुपीज, तो रुपीज आ रहे हैं 25.20 लैक्स माइनस कैपिटल 140 लैक्स इनको 12.143%, दिस इज 17 लैक। सो ई वी एज रुपीज, सो 25.2 माइनस 17, सो 8.2 लैक्स, सो 1,20,000 और वी कैन राइट रुपीज 1.20 लैक्स। तो लेकर सी विच ऑप्शन इज करेक्ट इन थर्ड, तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए इन एम सी क्यू सेकेंड आल्सो यू कैन सी वेकिंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तो दिस वाज ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट वी हैव फोर्थ एम सी क्यू, इन दिस वी हैव टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू एग्रीड ऑफ ए बी लिमिटेड। तो पहले देखते हैं व्हाट इज फार्मूला ऑफ मार्केट वैल्यू एग्रीड, तो जिसमें आल्सो कहा गया है एम वी ए, तो इट मीन्स व्हाट इज एक्सेस ऑफ मार्केट वैल्यू एज कम्पेयर टू बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसमें आपको पहले कैलकुलेट करनी है व्हाट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, उसमें से आप माइनस कर लीजिए बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, बुक वैल्यू है आपकी एज पर अवर बैलेंस शीट व्हाट इज अवर इक्विटी। तो फर्स्ट लेके से व्हाट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आपको डायरेक्ट को मेंशन नहीं किया नहीं है, तो हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका बेसिक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बाकी जो प्रॉफिट फॉर इक्विटी उसको आप कैपिटलाइज कर लीजिए डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज के ई। तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी इस फार्मूला विल बिकम इबिट, आपने कैलकुलेट की थी माइनस इंटरेस्ट, इसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स अपॉन के ई। तो लेकिन सी व्हाट इज अवर प्रॉफिट फॉर इक्विटी, तो ई बी आई की आपने कैलकुलेट की थी 36 लाख, तो लेट अस शो रुपीज लैक्स में है, तो रुपीज 36 लाख माइनस इंटरेस्ट ऑन गैट 10% इंटरेस्ट ऑन गैट 60 लाख, किसी की 6 लाख, उसको आप बना लीजिए आफ्टर टैक्स, टैक्स पे गई 30% और के ही आपको मैंशन की है 16%, तो 36 - 6 30 × 0.7 21 लाख, 21/0.16, ये आपके लैक्स में आ जाएगी वैल्यू, सो दिस इज कमिंग 21/0.16 रुपीज 131.25 लैक्स। देन वी हैव बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, दिस इज कैपिटल प्लस रिजर्व 80 लैक्स, नाउ वी कैन कैलकुलेट हाउ मच इज मार्केट वैल्यू एगेज।
So this is 131.25 minus our 80. So balance is our market value, so minus 80. So rupees 51.25 lakhs. So this is market value added. You can see which option is correct. Answer is option number C is correct. So in this lecture we discuss case scenario based on economic value added. For the copies we will continue next lectures. वीडियो आपको अच्छे लगते हैं सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.